JK247 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज सामा में तमाम बीफ फार्मर्स इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करते नजर आए। आपको बताते चले कि इन तमाम बीफ फार्मर्स को लेकर बात करें जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये बीफ फार्मर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहना है कि जो शहद की फैक्ट्री है वहाँ पर शहद की मिक्सिंग की जा रही है, यानी एडल्ट्रेटेड शहद बनाया जा रहा है, उसे मार्केट में उतारा जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि जो बीफ फार्मर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन ये है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो वो प्रोडक्शन करते हैं शहद की, तो उनका अब जो फैक्ट्रीज हैं वो शहद नहीं ले रहे हैं और वो डुप्लीकेट तरीके से जो है वो शहद तैयार करें, इसी को लेकर यहां पर आज जो है ये प्रदर्शन करते नजर आए तमाम बी फार्मर्स। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फार्मर जो है वो मधुमक्खी पालक यहां पर इकट्ठा हुए हैं। यहां पर पुलिस बल भारी मात्रा में यहां पर तैनात है और पुलिस भी पूरी घटना पर नजर रखे हुए कि कहीं कोई यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की खराबी ना हो जाए, उसी को लेकर यहां पर एक भारी भीड़ जो यहां पर किसानों की देखी गई है उसी को लेकर यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस बल भी यहां पर तैनात है। बताया जा रहा है कि FSSAI की टीमें यहां पर पहुंच रही हैं, इसी के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, उनके साथ ये तमाम किसान मिलेंगे। और बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में ये शहद जो वो तैयार किया जा रहा है तो वहां से सैंपल्स भी भरवाए जाएंगे। क्या कुछ ये पूरा मामला है, सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखें जो किसान अपनी बात रखते नजर आए मीडिया के माध्यम से। आपको भी ये लेटर तो मिला मुझे, ये लेटर लेके और ये हमारे फसाई के डिप्टी कमिश्नर हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट कर लीजिए एक बार। वो आ रहे ना मजिस्ट्रेट साहब, आते हैं ना हम कर्मचारी के, मैं खुद चलूंगा साथ में मजिस्ट्रेट साहब को आने लगे, आपके चार बंदे ले लेंगे साथ में, जो वो जैसे वो करते हैं कर लेंगे। कि दूसरे देशों में किसान को लूट के उत्पादन लागत मूल्य से नीचे खरीदारी करके और विदेशों में डंप किया जा रहा है अपने आर्थिक फायदे के लिए, और ये जो किसान खड़े हैं इनको उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। आज की हालात ये हैं कि अगर आप इनके किसी टेंट पे जाएंगे ये फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी के सभी किसान हैं और मैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस किस राज्य से किसान यहाँ पहुँचे हैं? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, यहाँ से ज़्यादातर ये किसान आए हुए हैं। क्या मकसद है यहाँ आने का, इकट्ठे होने का? देखिए हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो जो कठोर मेहनत दिन रात परिश्रम करके जो शहद निकालते हैं उसको उत्पादन लागत मूल्य से नीचे खरीदा जा रहा है और किसान बेचारा कमज़ोर है, उसको रोक नहीं सकता क्योंकि उसकी आर्थिक हालत ऐसी है नहीं, और उस शहद में खरीदारी करने के बाद उसमें 50-60% की मिक्सिंग करके बाज़ार में परोसा जा रहा है, और जो बड़े लेवल पे शहद की खरीदारी हो रही है उसमें शहद मिक्सिंग करके और दूसरे देशों को भेजा जा रहा है और अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए वहाँ पर डंप किया जा रहा है। इस देखिए यहाँ पर बीच में हमारे पास इसकी गुप्त इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ मिलावटी शहद रखा हुआ है और लाल कलर की बाल्टियों में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, वो तो जब आप सैंपल भरे जाएंगे तभी पता लगेगा। ये इन्फॉर्मेशन हमें आई और जम्मू कश्मीर के बीकीपर के हमारे पास कंप्लेंट आई, उसके बाद हमने इसके ऊपर एक्शन लिया, हमने दिल्ली फसाई को भी सूचित किया, यहाँ की टीम को सूचित किया और आल प्रशासन को भी सूचित किया, DC साहब के पास भी हम गए और तब ये कार्रवाई हो रही है कि यहाँ हम सैंपल भरने के लिए आए हैं और वो टीमें जस्ट पहुँचने वाली हैं फसाई। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अगर इसे यहाँ से जो सैंपल उठाए जाते हैं और उनमें मिलावट पाई जाती है तो इस कंपनी को परमानेंट बैन किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अमूमन क्या होता है कि छोटा मोटा फाइन दे के छूट जाते हैं, लेकिन अब हम जाग चुके हैं, ये सभी किसान पूरे देश में जाएंगे,
जहाँ जहाँ मिलावट की इन्फॉर्मेशन होगी हम खुद छापा मरवाएंगे और हम टीम के साथ रहेंगे। और कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन मिली है कि मिलावट हो? देखिए कुछ वो चीज़ें सीक्रेट हैं, अभी हम आपको शो आउट नहीं कर सकते क्योंकि फिर वहाँ से वो शायद इधर उधर कर दिया जाता है मिलावटी चीज़। हाँ हमारे पास श्योरली इन्फॉर्मेशन है और विद प्रूफ है। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों? देखिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, अब आप सोचें कि क्या होनी चाहिए। किसान को उत्पादन लागत मूल्य से नीचे लूटा, फिर उसको अपनी फैक्ट्री लेके आए, उसमें 50-60% मिक्सिंग की और वो भारतीय उपभोक्ता को परोस दिया। यानी कि अगर इस हिसाब से लगातार कंटिन्यू 4-5 साल चलता रहा तो आगे आने वाले समय में हमारे देश के अंदर मधुमक्खी की बड़ी लंबी लाइनें हॉस्पिटल में लगने वाली, और इन किसानों को कुछ मिल नहीं रहा, ये बेचारे नीचे जाते जा रहे हैं, कोई अपने बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा है, कोई अपने बच्चे की लड़की की शादी नहीं कर पा रहा, और लगभग 100% बीकीपर जो हैं वो कर्जवान हो चुके हैं और उससे निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। जब आपको लगातार 4-5 साल तक उत्पादन लागत मूल्य भी ना मिले तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे। इसलिए मुहिम उठी है और हमारे किसान बहुत गुस्से में हैं और सरकार से हम डिमांड करते हैं कि जहाँ पर भी मिलावट की सूचना मिलती है वहाँ धरपकड़ की जाए और इन सभी कंपनियों को परमानेंट बैन किया जाए।